नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो इस चैनल का और इस वीडियो का डिस्क्लेमर है। जो भी इस चैनल पर कॉन्टेंट रहेगा दोस्तों, वो एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है, और जो भी इस वीडियो में मैं कंटेंट प्रोवाइड करता हूं दोस्तों, वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। दोस्तों, मेरी आप सभी व्यूअर्स से ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे व्यूज़ के ऊपर आप अपने ट्रेड्स को इनिशिएट मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करता हूँ दोस्तों, वो मेरा एक पर्सनल इंटरप्रिटेशन है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं निफ्टी एनालिसिस। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, टर्नओवर और क्लोजिंग प्राइस दोस्तों नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो जो डाउन मूव है दोस्तों, वो टर्नओवर सपोर्टेड नहीं है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम देख पाते हैं जो वॉल्यूम है दोस्तों अपने एवरेज के नीचे है, बट यहाँ पे थोड़ी सी वॉल्यूम में इंक्रीज है दोस्तों, जब मार्केट जो है दोस्तों वो नीचे आ रहा है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे FII DII की ट्रेडिंग एक्टिविटी की बात करें दोस्तों, यहाँ पे FII नेट सेलर्स है दोस्तों, DII नेट बायर्स है। अगर हम ओवरऑल मनी फ्लो एनालिसिस करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम देख पाते हैं FII प्रॉपर्टीज नेट सेलर से, DII क्लाइंट्स जो है दोस्तों वो नेट बायर से। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे सिर्फ पार्टिसिपेंट वाइज नेट पोजीशन एनालिसिस करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम देख पाते हैं कि इंडेक्स ऑप्शन में FII DII प्रॉपर्टीज का व्यू बेरिश है दोस्तों, क्लाइंट्स का व्यू बुलिश है। अगर हम फ्यूचर इंडेक्स की बात करें दोस्तों, यहाँ पे हम देख पाते हैं FII DII का व्यू बुलिश है दोस्तों, प्रॉपर्टीज और क्लाइंट का व्यू बेरिश है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम देख पाते हैं इन द मनी पुट साइड पे दोस्तों 17,700 की स्ट्राइक प्राइस पे दोस्तों काफ़ी सारे पुट राइटर्स अपनी पोजीशन यहाँ पे क्लोज किए दोस्तों, और सेम दोस्तों यहाँ पे इन द मनी पुट साइड पे भी दोस्तों कुछ स्ट्राइक्स पे दोस्तों पुट राइटर्स ने पोजीशन क्लोज किए दोस्तों। अगर हम यहाँ पे देख पाते हैं दोस्तों 17,700 पे दोस्तों इन स्ट्राइक प्राइजेस पे दोस्तों काफ़ी अच्छी कॉल रेटिंग हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम सपोर्ट की बात करें दोस्तों, जो इमीडिएट सपोर्ट निकल के आता है वो है 17,500 का दोस्तों, जहाँ पे अभी पुट राइटर्स एक्टिव है। और यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है 17,500 दोस्तों, नेक्स्ट जो इमीडिएट सपोर्ट निकल के आएगा दोस्तों वो रहेगा 17,400 दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासा वॉल्यूम भी है दोस्तों। और यहाँ पे हम देख पाते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ पुट बाइंग एक्टिविटीज़ भी चल रही है दोस्तों इन स्ट्राइक प्राइसेस के आसपास। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे फ्राइडे की ट्रेड की बात करें दोस्तों, तो हमारा जो है एंट्री जो है बी एक बैंक निफ्टी का मैंने एक रेफरेंस के तौर पे लिया है दोस्तों। मान लो दोस्तों अपने बैंक निफ्टी में यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए एंट्री ले ली होती दोस्तों, तो आपको यहाँ पे सेल देना पड़ता दोस्तों। और उसके बाद अगर दोस्तों आपने वापस यहाँ पे रिवर्स ट्रेड ले लिया होता, क्योंकि यहाँ पे आपकी वैलिड एंट्री बन रही थी दोस्तों, तो आपको यहाँ पे पहला टारगेट हिट हो जाता है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी हम देख पाते हैं दोस्तों, रिवर्सल टू रिवर्सल आपका एक टारगेट हिट हुआ है दोस्तों एक SL के बाद, और दूसरी जो एंट्री थी दोस्तों वो हमारी यहाँ पर बन रही थी दोस्तों इस वाली कैंडल पर। अगर हम यहाँ पर भी एंट्री ले लेते दोस्तों, आपको ईजिली T1 हिट हो जाता दोस्तों, और आपको काफ़ी सारी बार दोस्तों T1 के टारगेट ले काफ़ी इंटरेस्ट मिली है दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको इस इंडिकेटर का एक्सेस चाहिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है दोस्तों गूगल फॉर्म की, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए दोस्तों, आप अपने डिटेल्स फिल कर देना, और साथ ही आपको छोटा सा फी पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों, तो आपको विद इन 12 to 24 hours इस इंडिकेटर का एक्सेस मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम हमारे अर्ली साइंस वाले ग्राफ की बात करें दोस्तों, यहाँ पे हम देख पाते हैं दोस्तों कि स्ट्रेंथ और वीकनेस दोस्तों ऑलमोस्ट अभी सेम पॉइंट पे आके खड़ी हो गई दोस्तों। अगर मान लो दोस्तों यहाँ पे वीकनेस ऊपर निकल जाती है तो स्ट्रेंथ नीचे ड्रॉप हो जाता है, तो मार्केट में और डाउन मूव की काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाएगी दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ है दोस्तों कि मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगी। अगर यहाँ से बाउंस हो जाता है दोस्तों, फिर हम यहाँ से छोटा सा बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। दोस्तों, रिसेंटली हमने हमारा टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया है दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, मैं आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग सा चार्ट पैटर्न यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों, जो कि एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न है दोस्तों। यहाँ पे देख पाते हैं दोस्तों कि फ्लैग पैटर्न बन रहा है दोस्तों, मार्केट इन लेवल्स के आसपास दोस्तों एक बाउंस लेती है। मान लो दोस्तों अगर कल के दिन शोपना मंडे के दिन जो मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग कर जाती है दोस्तों, तो आपको इस फ्लैग का जो पोल है दोस्तों, इसका जो लेंथ जो सॉक्रिस टारगेट की तरह आप शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। बट इसके पहले दोस्तों आपको इमीडिएट सा जो सपोर्ट मिल के आएगा दोस्तों, वो है 17,250 के आसपास दोस्तों।
फिर आएगा दोस्तों 16,800 के आसपास दोस्तों आपको इसके जो इमीडिएट सपोर्ट्स है दोस्तों वो मिलेंगे। दोस्तों ये तो था मेरा पर्सनल ओपिनियन दोस्तों, आपका एनालिसिस, आपका व्यू क्या कहता है दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन, आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।